नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल ट्रेवल टू उत्तराखंड में आपका स्वागत है। दोस्तों 2023 में बाबा केदारनाथ के कपाट कौन सी तारीख में और कितने बजे खुलने वाले हैं, इसकी घोषणा महाशिवरात्रि वाले दिन कर दी गई है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दे रहा हूं कि केदारनाथ के कपाट कौन सी तारीख में और कितने बजे खुलने वाले हैं, इसलिए दोस्तों वीडियो को आप पूरा जरूर देखें। और दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी प्यारी सी रिक्वेस्ट है। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबा दें, इसी प्रकार चार धाम यात्रा से जुड़ी सभी इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को आगे शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि केदारनाथ के कपाट कौन सी तारीख में खुलने वाले हैं। दोस्तों केदारनाथ कपाट खुलने की तिथि के बारे में बताने से पहले मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूं। दोस्तों अगर आप केदारनाथ टैक्सी द्वारा जाना चाहते हैं तो आप हमारी ट्रेवल एजेंसी ट्रेवल टू उत्तराखंड के माध्यम से भी हरिद्वार से केदारनाथ धाम टैक्सी द्वारा जा सकते हैं। दोस्तों नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करके आप हमसे केदारनाथ जी के लिए टैक्सी बुक करा सकते हैं। दोस्तों हम अपनी ट्रेवल एजेंसी के माध्यम से आपको उत्तराखंड की सबसे अच्छी और सुविधाजनक टैक्सी प्रदान करते हैं। तो चलिए दोस्तों अब बताते हैं कि केदारनाथ धाम के कपाट कौन सी तारीख को खुलने वाले हैं। दोस्तों महाशिवरात्रि के पर्व पर पौराणिक परंपराओं के अनुसार पंच केदार की गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर उखीमठ में वेद पाठी एवं आचार्य गणों की मौजूदगी में शुभ मुहूर्त की घोषणा कर दी गई। बद्री केदार मंदिर समिति के वेद पाठी आचार्य व हक हकूकदारियों की मौजूदगी में पूजा अर्चना पंचांग गणना के बाद इस वर्ष की यात्रा के लिए भगवान केदारनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि घोषित की गई। दोस्तों पंचांग गणना के अनुसार 25 अप्रैल को प्रातः 6:20 पर आम श्रद्धालुओं के लिए केदारनाथ के कपाट खोल दिए जाएंगे। तो दोस्तों आप 2023 में 25 अप्रैल को प्रातः 6:20 पर बाबा केदारनाथ के दर्शन कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी है आप कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप लाइक जरूर करें। तो दोस्तों आज के इस वीडियो को हम यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक आप सभी अपना ख्याल रखें। नमस्कार दोस्तों।